फरीदाबाद के बल्लमगढ़ में हुई छात्रा निकिता मर्डर के खिलाफ देश भर में रोष है। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। रविवार को भिवाड़ी में विश्व हिंदू परिषद के लोग फूलबाग स्थित हाई स्ट्रीट मार्केट में एकत्रित होकर बेटी की आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद भिवाड़ी के अध्यक्ष सतीश तंवर ने इस घटना की कड़ी शब्दों में आलोचना करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखने और जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की है। निकिता जी को जो इनके साथ बलात् करने की कोशिश की गई, इसका अपहरण कर से करी, मगर इस बहन ने अपना धर्म नहीं अपनाया, अपनी जान दे दी, तो सर्वप्रथम हम श्रद्धांजलि यहाँ एकत्रित हुए हैं। दूसरा हमारा है कि आज जैसे हम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देंगे कि इस बहन को न्याय मिलना चाहिए, इस बहन को मुआवजा मिलना चाहिए परिवार को, और एक परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले, ऐसा हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं अभी। और तीसरा मुद्दा हमारा वाल्मीकि जयंती का है। उन्होंने एक संत के रूप में महर्षि दयानंद महर्षि जो वाल्मीकि के रूप में उन्होंने तप किया और एक रामायण भी लिख दी उन्होंने, इतना तप किया और महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो एक परिवर्तन आया। तो अगर मनुष्य मनुष्य ही बना रहे, केवल मनुष्य में परिवर्तन का मतलब यही है कि मनुष्य केवल मनुष्य रहे, उसी में महानता रहे। तो इस विषय में अभी हम वाल्मीकि के मंदिर में हम सभी लोग जाएंगे मेरे साथ। देखिए, जिस तरह से हमारी बहन के साथ में जो दुष्टाचार हुआ है, मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहूँगा, इस तरह का कानून बनाया जाए जिससे कि ये ख़त्म हो, ऐसा दुष्टाचार ख़त्म हो, और हमारे हिंदू भाई बच्चों को ऐसे संस्कार दे ताकि बेटियां इस लव जिहाद के चक्कर में फंसे नहीं। धर्म के संस्कार देना अधिकार जरूर दे, धर्म के अगर उनके अंदर संस्कार नहीं होंगे, ऐसी हरकतें हमारे बच्चे नहीं करेंगे। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ, अगर संस्कार बच्चों को दिया तो हम किसी भी लव जिहाद के चक्कर में नहीं फंसेंगे और हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले अंकिता बहन को अपहरण करने की कोशिश की, और अगर उन्होंने अपना धर्म कबूल मतलब कि अपना धर्म नहीं छोड़ा और तो इनको सरेआम भरी रोड पर गोली मार दी। तो ये तौसीफ नाम का है और इसके जो चचेरा भाई है वो विधायक है। सरकार सबके लिए है, न्याय सबके लिए है, संविधान सबके लिए है भाई। कोई भी विधायक लड़का हो या विधायक का भाई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको न्याय मिलेगा। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो हमें कानून को अपने हाथ में लेना आता है और हम कुछ भी करेंगे, जहां दिखेगा वहीं मारेंगे, जिसको दिखेगा वही मारेगा, सामने गोली मारेंगे। लेकिन बात साफ है, उसको मरना है, खून के बदले खून चाहिए, जान के बदले जान। हमने अपनी बहन खोई, उनको अपना चचेरा भाई खोना पड़ेगा विधायक साहब को। बात साफ है, आज के बाद ऐसा कानून बने, नहीं तो हम अपना आप करेंगे कि ऐसा आज तक कोई तौसीफ अब पैदा नहीं होगा। बात साफ। इसी के साथ जय श्री राम, भारत माता। ये तीसरी दफ़ा इनके साथ हुआ था, क्योंकि कुछ तो हमारे इसमें पुलिस की भी ढिलाई रही है। पुलिस ने यदि पहले भी एक्शन लिया होता तो ये जो दुष्कर्म होने की जो नौबत थी ये नहीं आती, और जो इनका लक्ष्य था वो विफल हुआ। विफल कैसे हुआ? क्योंकि यदि ये लक्ष्मी बाई की तरह हमारे जो शेरनी की तरह ये अपना अपने आप का हौसला गिरा देती, ये आत्मसमर्पण कर देती, तो क्या था कि हमारे जो धर्म है उस पर कलंक पुत्ता, और ये अपने आप में अपने परिवार के लिए भी काफ़ी ही बाध्य होती, क्योंकि इसके परिवार वालों को भी काफ़ी नीचा देखना पड़ता। और इसने जो कार्य किया, इसने जो अपने साहस किया, इन्होंने डट के मुकाबला किया उस नहीं उनके साथ जाने का, इसी कारण से, क्योंकि इनका बड़ा ही गैंग है वहाँ पे, काफ़ी को पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया है। जो मेवात क्षेत्र में जो वारदातें होती है, आए दिन इस तरह की वारदातें हो रही है, और हमारा हिंदू जो है वो सोया हुआ है, और सोया हुआ क्या है, ऐसे है क्योंकि हिंदू हिंदू का साथ नहीं देता। और ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन हमें सभी को लाना होगा,